हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गुजराती मेथी खाखरा। ये नाश्ते में खाया जाता है, तो इसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा, सूखी मेथी है या कसूरी मेथी भी इसे कहते हैं, नमक, हींग, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी। तो ये डालडा घी है जिसे वेजिटेबल घी भी कहते हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, हींग है पिंच ऑफ, टेस्ट टू सॉल्ट, कसूरी मेथी। आप हो सके तो इसमें कसूरी मेथी ले, फ्रेश ना ले, और ऑयल। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो इसका आटा आपको पराठे के थोड़ा सा नरम और रोटी से ज़्यादा थोड़ा सा सख्त ऐसा रखना है। तो हमने आटा तो गूंद लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के एक बार अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो ऑयल से हमने इसे चिकना कर लिया है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो हमारा घी सख्त हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा गरम करके इसे थोड़ा सा पिघला लेंगे। अगर ये ऑयल जैसा हो तो इसे गरम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी लुइया बना लेते हैं। तो एक हमने लुई बना ली है, इसे सूखे आटे में डाल के इसकी एकदम पतली सी रोटी बेल लेंगे हम। इसे सूखा आटा लेकर एकदम पतला पतला बेल लीजिए। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारा ये डाल देंगे खाखरा। तो इसमें पहले हम एकदम कच्चा पक्का सेक लेंगे। इसे दोनों तरफ से थोड़ा सा कच्चा पक्का सेकना है। तो हमारा आप देख सकते हैं एकदम कच्चा पक्का हमने सेक लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। तो आपको अब एक कच्चा पक्का हमने सेक लिया, उसके बाद ही हमारा डालडा घी जो हमने गर्म किया था वेजिटेबल घी, उसे इस पर लगाना है। इसे पूरी तरह से अच्छे से घी लगाना है सारी ओर। ये हमने दूसरा भी बेल लिया है, उसे भी हम ये सेक लेंगे। इसे दोनों साइड से एकदम कच्चा पकना सेकना है। इसे हम ले लेते हैं, ये हो चुका है। ये हमने जो घी लगाया था उसके ऊपर इसे रखना है और इसे एक बार इसे हाथों से दबा देना है, घी वाले जो हमने लगाए हैं उसके ऊपर रखकर। और इसके ऊपर भी हम पूरी अच्छे से घी लगा देंगे। ये तीसरा भी हमारा सेक कर तैयार है। एक के बाद एक ऊपर आपको रखकर इसे अच्छे से एक बार दबा लेना है और ऊपर फिर से एक बार घी, जो बाहर हम बाहर से बाजार से लाते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेते हैं बारी बारी से। तो हमने ये सारे बना लिए हैं और सारे बन जाए तो ऐसे रख देना है।
और अब हम इसे एक साथ सेक लेंगे बारी बारी से। तो हम ले लेते हैं हमारे तवे पर डालकर। और अब हम इसे अच्छे से दबा दबा कर क्रिस्पी कर लेंगे इसे। आप इसे ऐसे कपड़े से दबा लीजिए या कोई कटोरी लेकर उससे भी दबा सकते हैं। इसे सारी किनारियों से अच्छे से दबा कर इसे सेकें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन आई है। ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं ऐसे ही। इसे अच्छे से दबा कर सेक लीजिए। ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे खाखरा तैयार हो चुके हैं। ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।